हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबिंग प्लेनेट। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इस हेलीकॉप्टर क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इस क्यूब को सॉल्व करना बहुत आसान है। तो ये जो क्यूब है, ये अपने कट्स के अलोंग मूव करता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हर साइड पर ये कुछ कट्स बने हुए हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर कट है तो ये ऐसे मूव करेगा, ये कट है तो ये ऐसे मूव करेगा। तो देखिए, ये जो क्यूब है ये अपने कट्स के अलोंग मूव करता है। यहाँ पर देखिए, हर साइड पर कुछ कट्स हैं। तो चलिए अब इस क्यूब के पीसेस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो है कुछ ये ट्रायंगल शेप के पीसेस हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल पीसेस। और यहाँ पर ये जो आप लोग साइड में पीसेस देख रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पीसेस। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप वन से। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों को किसी एक कलर के सभी ट्रायंगल पीसेस को एक साइड पर लगाना है। तो यहां पर देखिए, हमारा ये एक व्हाइट कलर का ट्रायंगल पीस लगा हुआ है। तो चलिए यहां पर हम लोग ये व्हाइट कलर के ट्रायंगल पीसेस को लगाते हैं। तो देखिए, एक ट्रायंगल पीस लगा हुआ है। अब हमें बाकी के इन तीनों पोजीशंस पर भी व्हाइट ट्रायंगल पीसेस को लगाना है। तो देखिए, ये है हमारा व्हाइट कलर का ट्रायंगल पीस, तो इसको हमें लगाना है ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट करके ऊपर ले आए। ठीक है, देखिए अब हमारे यहां पर दो पीसेस लग गए। अब ऐसे हमें यहां पर दो और व्हाइट ट्रायंगल पीसेस को लगाना है। तो देखिए, ये है हमारा व्हाइट कलर का ट्रायंगल पीस, हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट करके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, देखिए यहां पर हमारा ये पीस भी लग गया। अब लास्ट में हमें यहां पर एक व्हाइट ट्रायंगल पीस को लगाना है। तो देखते हैं हमारा व्हाइट कलर का ट्रायंगल पीस कहां पर है। तो देखिए, ये है हमारा पीस जो है नीचे है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रोटेट करके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, इस पीस को देखिए, हम लोग यहां पर ऊपर ले आए। अब इस पीस को हमें लगाना है यहां पर। तो देखिए, अगर इस पीस को हम लोग यहां पर ऐसे ऊपर लगाएंगे, ठीक है, देखिए अगर इसको हम लोग यहां पर ऊपर लगाएंगे, तो हमारा जो यहां पर पीस लगा था वो हमारा नीचे आ गया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पीस को यहां पे लगाने के लिए हम लोग ये जो पीसेस हमारे लगे हुए हैं, इनको हमें साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, इनको हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करके दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, ये अब हमारे पीस जो है यहां पर आ गए। अब ये वाला जो पीस है, इसको आसानी से हम लोग यहां पर ला सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने जब ऊपर किया, तो देखिए हमारा ये पीस यहां पर आ गया। और ये जो पीसेस हम लोग यहां पर दूर ले गए थे, अब इनको वापस फिर से इनकी पोजिशन पर ले आएंगे। तो देखिए, अब हमारे यहां पर ये चारों व्हाइट ट्रायंगल पीस लग गए और हमारा ये स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया। तो सभी व्हाइट ट्रायंगल पीसेस को लगाने के बाद अब हमें बनाने हैं कॉर्नर ट्रियोस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉर्नर ट्रियो क्या होते हैं। तो अब जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि हमारे ये जितने पीसेज हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर ट्रियो। तो देखिए, यहां पर हमारा एक कॉर्नर पीस है और ये जो है हमारे ट्रायंगल पीसेस हैं। तो ऐसे हमें इन सब पोजीशंस पर भी कॉर्नर ट्रियोज बनाने हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले यहां पर एक कॉर्नर ट्रियो बनाते हैं। तो कॉर्नर ट्रियो बनाने के लिए हम लोग कॉर्नर पीस को पहले लगाते हैं उसकी पोजीशन पर, और उसके बाद हम लोग ट्रायंगल पीसेस को लगाते हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले लगाते हैं यहां पर एक कॉर्नर पीस। तो यहां पर हमें लगाना है व्हाइट, ऑरेंज और ब्लू कलर का कॉर्नर पीस, क्योंकि देखिए यहां पर हमारा व्हाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर का कॉर्नर पीस है। तो इसलिए हम लोगों को यहां पर व्हाइट, ऑरेंज और ब्लू कलर का कॉर्नर पीस लगाना है। तो देखिए, यहां पर ब्लू कलर इसलिए आएगा क्योंकि ग्रीन का अपोजिट जो होता है वो होता है ब्लू। ठीक है, तो यहां पर ग्रीन है, तो इसलिए इसका अपोजिट यहां पर ब्लू आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ऐसा कॉर्नर पीस कहां पर है। तो देखिए, ये हमारा व्हाइट, ऑरेंज और ब्लू कलर का कॉर्नर पीस है। तो इस पीस को हमें यहां पर पहले नीचे लाना पड़ेगा। जहां पर हमें पीस को लगाना है, यानी कि इस पोजिशन पर, इसके जस्ट हम लोग पहले नीचे लाएंगे इसको। पहले इस पीस को हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करके इस तरह से नीचे ले आएंगे। तो इस पीस को हमें लगाना है यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीस को अब ऊपर ले आएंगे। तो अब यहां पर इस कॉर्नर पीस को हमने ऊपर ले आए, तो हमें बनाना है यहां पर कॉर्नर ट्रियो। तो कॉर्नर ट्रियो बनाने के लिए हम लोगों को ट्रायंगल पीसेस को भी लगाना होता है। तो देखिए, यहां पर हमारा कोइंसिडेंटली जो है एक ब्लू ट्रायंगल पीस लगा हुआ है। अब ऐसे हमें यहां पर ऑरेंज कलर का ट्रायंगल पीस लगाना है। तो ऑरेंज कलर का ट्रायंगल पीस लगाने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि हमारा ये जो कॉर्नर पीस है, इसको पहले हम लोग यहां पर नीचे ले आएंगे। और अब हमें यहां पे लगाना है एक ऑरेंज कलर का ट्रायंगल पीस। तो देखते हैं कि हमारा ऑरेंज कलर का ट्रायंगल पीस कहां पर है। तो देखिए, ये हमारा एक ऑरेंज कलर का ट्रायंगल पीस है, लेकिन इसको हम लोग यहां पर नहीं लगा सकते। देखिए, अगर इसको हम लोग यहां पर ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये देखिए पीस ये यहां पर आ गया, दूसरी तरफ आ गया। तो चलिए, अब हम लोग यहां पर और दूसरे किसी ऑरेंज ट्रायंगल पीस को ढूंढते हैं। तो देखिए, ये है एक हमारा ऑरेंज कलर का ट्रायंगल पीस, तो इसको हमें लगाना है यहां पर। तो अगर इस पीस को हम लोग यहां पर देखिए ऊपर करेंगे, तो देखिए ये पीस हमारा यहां पर लग तो गया, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारा एक कॉर्नर यहां पर दूर चला गया। ठीक है, देखिए ये जो हमारा कॉर्नर जो है, ये हमारा यहां पर दूर चला जाएगा। देखिए, इस तरह से कॉर्नर हमारा दूर चला गया। तो हम लोगों को यहां पर क्या करना है, हम लोगों को इस ट्रायंगल पीस को यहां पर ऐसे लगाना है कि यहां पर हमारी कॉर्नर पीस भी डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा कॉर्नर पीस है, इसको हम लोग रोटेट करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसको देखिए हम लोग यहां पर दूसरी तरफ ले गए। अब ये जो हमारा ट्रायंगल पीस है, इसको हम लोग आसानी से यहां पे लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग अब
रोटेट करके यहां पे ले आए। अब ये जो कॉर्नर पीस को हम लोग दूर ले गए थे, इसको वापस फिर से इसकी पोजीशन पर ले आएंगे। तो ठीक है, देखिए यहां पर हमारा ये जो है एक कॉर्नर ट्रियो कंप्लीट हो गया। तो जब हमारा ये कॉर्नर ट्रियो बन गया है तो अब इसको हम लोग फिर ऊपर कर देंगे। तो देखिए यहां पर हमारा ये कॉर्नर ट्रियो बन चुका है, ऐसे में बाकी के इन दोनों पोजिशन पर भी कॉर्नर ट्रियो बनाने हैं। तो यहां पर हमें जब कॉर्नर ट्रियो बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को व्हाइट, ब्लू और रेड कलर के कॉर्नर पीस की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कि ऐसा हमारा कॉर्नर पीस कहां पर है। तो देखिए हमारा व्हाइट, ब्लू और रेड कलर का कॉर्नर पीस है, तो इसको हम लोगों को सबसे पहले यहां पर नीचे लाना पड़ेगा। जिस पोजीशन पे लगाना है यानी कि यहां पर ये वाली पोजीशन, तो इसके जस्ट हम लोग पहले नीचे लाएंगे। तो इसको हम लोग रोटेट करके यहां पर नीचे ले आए। तो अभी इस पीस को हमें लगाना है यहां पर। तो हम लोग जब देखिए इस पीस को ऊपर कर रहे हैं तो देखिए यहां पर ये पीस ऐसे लग रहा है, लेकिन हमें बनाना है यहां पर कॉर्नर ट्रियो। तो कॉर्नर ट्रियो बनाने के लिए हम लोगों को इन सब पोजीशंस पर लगाने पड़ेंगे ट्रायंगल पीसेस। तो देखिए यहां पे हमें लगाना है एक ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस और यहां पे हमें लगाना है एक रेड कलर का ट्रायंगल पीस। तो ट्रायंगल पीस लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस कॉर्नर पीस को नीचे ले आएंगे। तो अब जैसे हमें सबसे पहले यहां पे लगाना है एक रेड कलर का ट्रायंगल पीस, तो देखते हैं हमारे रेड कलर के ट्रायंगल पीस कहां पर है। तो देखिए ये है हमारा रेड कलर का ट्रायंगल पीस, लेकिन इस पीस को हम लोग यहां पर नहीं लगा सकते। ठीक है, देखिए अगर इस पीस को हम लोग रोटेट करेंगे तो ये पीस देखिए हमारा ये यहां पर आ गया, तो ये नहीं लग पा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा ट्रायंगल पीस कहां पर है। तो देखिए एक और ये ट्रायंगल पीस है, इसको भी हम लोग यहां पर नहीं लगा सकते। अगर इसको हम लोग मूव करेंगे तो देखिए ये पीस भी जो है ये दूसरी तरफ जा रहा है। तो और दूसरा हम लोग वही रेड कलर का ट्रायंगल पीस देखते हैं। तो ये रहा हमारा रेड कलर का ट्रायंगल पीस। तो इस पीस को हम लोग आसानी से यहां पर लगा सकते हैं। देखिए अगर इस पीस को हम लोग यहां पर ऐसे ऊपर करेंगे तो देखिए ये पीस यहां पर लग तो गया, लेकिन हमारा जो यहां पर कॉर्नर पीस था वो हमारा दूर चला गया। तो हम लोगों को यहां पर इस पीस को ऐसे लगाना है कि हमारा ये जो कॉर्नर पीस है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा कॉर्नर पीस है इसको हम लोग रोटेट करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसको देखिए हम लोग यहां पर दूसरी तरफ ले गए। अब ये जो हमारा ये ट्रायंगल पीस जो है इसको हम लोग ऐसे रोटेट करके यहां पर ले आए। अब ये जो हम लोग कॉर्नर पीस दूर ले गए थे इसको वापस फिर से हम लोग इसकी पोजिशन पर ले आएंगे। तो देखिए यहां पर इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो गया। अब ऐसे हमें यहां पर एक ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस लगाना है। तो देखते हैं कि हमारा ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस कहां पर है। तो देखिए एक हमारा ये ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस है, लेकिन इसको हम लोग यहां पर नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम लोगों को बाकी ब्लू कलर ट्रायंगल पीस देखने पड़ेंगे। तो देखिए ये है हमारे ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस। तो चलिए इसको हम लोग रोटेट करके लाते हैं नीचे। तो ये रहा हमारा ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस, लेकिन इसको भी हम लोग यहां पर नहीं लगा सकते। ठीक है, देखिए अगर इसको हम लोग यहां पर मूव करेंगे तो ये देखिए दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन इसको हमें यहां पर लगाना था तो ये यहां पर आ रहा है। तो अब कोई और ब्लू ट्रायंगल पीस देखते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस। तो जब इसको हम लोग यहां पर मूव करेंगे तो देखिए ये पीस हमारा ये यहां पर आ गया। तो इस पीस को हम लोगों को लगाना है यहां पर। तो जब इस पीस को हम लोग यहां पर रोटेट करके यहां पर लाएंगे तो ये पीस देखिए हमारा यहां पर लग तो रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है कि ये जो कॉर्नर पीस जो है ये दूर चला गया है। ठीक है, देखिए जो हमारा यहां पर कॉर्नर पीस था वो अब हमारा यहां पर आ गया। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि हमें इस पीस को यहां पर ऐसे लगाना है कि हमारा ये जो कॉर्नर पीस है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो इस पीस को यहां पे लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ये जो कॉर्नर पीस है इसको हम लोग यहां पर रोटेट करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसको देखिए हम लोग यहां पर दूसरी तरफ ले गए। अब ये जो हमारा ट्रायंगल पीस है इसको हम लोग रोटेट करके आसानी से यहां पे ला सकते हैं। तो इसको हम लोग जब यहां पर ले आए, अब जब हमारा ये जो कॉर्नर पीस है इसको हम लोग वापस फिर से इसकी पोजिशन पर ले आएंगे। तो देखिये ये अब हमारा ये वाला भी कॉर्नर ट्रियो कम्प्लीट हो गया। तो जब हमारा ये कॉर्नर ट्रियो कम्प्लीट हो गया फिर इसको हम लोग रोटेट करके ऊपर ले आएंगे। अब हमें लास्ट में एक यहां पर कॉर्नर ट्रियो बनाना है। तो यहां पर कॉर्नर ट्रियो बनाने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी एक व्हाइट, रेड और ग्रीन कलर के कॉर्नर पीस की। तो ये है वो हमारा कॉर्नर पीस जिसमें हमारा व्हाइट, ग्रीन और रेड कलर है। तो अगर देखिए हम लोग इस पीस को यहां पर ऊपर कर रहे हैं तो इसमें देखिए जो व्हाइट स्टीकर जो है वो ऊपर नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें व्हाइट स्टीकर को ऊपर रखना है। तो यहां पर व्हाइट स्टीकर को ऊपर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पीस को नीचे ले जाएंगे और इस पीस को हम लोग तब तक रोटेट करते रहेंगे जब तक हमारा ये व्हाइट स्टिकर जो है ये यहां पर बॉटम पर ना आ जाए। तो चलिए अब हम लोग इस पीस को रोटेट करते हैं। तो देखिए अभी भी हमारा ये जो व्हाइट पीस है ये जो हमारा व्हाइट स्टिकर जो है अभी भी हमारा ये नीचे नहीं आया। तो हम लोग इसको फिर से रोटेट करेंगे और तब तक रोटेट करेंगे जब तक हमारा ये व्हाइट पीस ये जब तक हमारा ये व्हाइट स्टिकर जो है ये नीचे ना आ जाए। तो चलिए इसको रोटेट करते हैं। तो देखिए इस बार जो है ये हमारा व्हाइट स्टिकर जो है ये नीचे आ गया और ये अपनी पोजीशन पर भी है। देखिए ये हमारा जो है ये रेड और ये इसके ग्रीन के बीच में भी है। तो हम लोग क्या करेंगे जब इस पीस को जब ये हमारा यहां पर आ गया तो हम लोग फिर इसको ऊपर कर देंगे।
तो देखिए हमारा ये पीस यहाँ पर ऊपर लग गया। अब हमें यहाँ पर बनाना है कॉर्नर ट्रियो। तो कॉर्नर ट्रियो बनाने के लिए हम लोगों को लगाने होते हैं ट्रायंगल पीस। तो देखिए यहाँ पर कोइंसिडेंटली हमारा एक रेड ट्रायंगल पीस लगा हुआ है। अब बस लास्ट में हमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस लगाना है। तो ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस लगाने के लिए हम लोगों को पहले इस पीस को नीचे लाना पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग पहले क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। अब हमें लास्ट में लगाना है यहाँ पर ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस। तो देखते हैं कि हमारा ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस कहाँ पर है। तो देखिए ये है हमारा ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर नहीं ला सकते। देखिए अगर इसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो ये दूसरी तरफ जा रहा है। तो हमें लगाना है यहाँ पर पीस। तो हम लोग देखते हैं कि और दूसरा ग्रीन ट्रायंगल पीस कहाँ पर है। तो देखिए ये है हमारा एक ग्रीन ट्रायंगल पीस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रोटेट करके यहाँ पर नीचे ले आए। तो अब इस पीस को हमें लगाना है यहाँ पर। तो देखिए इस पीस को जब हम लोग यहाँ पर ऊपर करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि हमारा जो ट्रायंगल, जो हमारा कॉर्नर पीस यहाँ पर था वो हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, वो अपनी जगह से हट गया। तो हमें इस ग्रीन ट्रायंगल पीस को यहाँ पर इस तरह से लगाना है कि हमारा ये जो कॉर्नर पीस है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा पीस है कॉर्नर पीस, इसको हम लोग इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसको हम लोग इधर ले गए। अब ये जो हमारा ग्रीन ट्रायंगल पीस है इसको हम लोग आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर ले आए। अब ये जो हम लोग ये कॉर्नर पीस को जब इधर हम लोग ले गए थे, इसको वापस से इसकी हम लोग पोजिशन पर ले आएंगे। इसको देखिए वापस इसकी हम लोग पोजीशन पे ले आए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर ट्रियो कंप्लीट हो गया। फिर इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सारे कॉर्नर ट्रियोज जो हैं ये कंप्लीट हो गए। तो हमारा ये स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो इस स्टेप में हमें इन सब पोजिशन पर लगाने हैं ट्राइंगल पीसेस। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ पर ये दो रेड ट्राइंगल पीसेस लगे हुए हैं, तो सेम ऐसे हमें इन सब पोजीशंस पर भी ट्राइंगल पीसेस को लगाना है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगाते हैं एक ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस। तो देखिए यहाँ पर हमारे एक ये ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस लगा हुआ है। अब हमें एक यहाँ पर लगाना है ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस। लेकिन हमें ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस को लगाने के लिए हमें इस पीस को जो है ऊपर करना पड़ेगा। देखिए हम लोग यहाँ पर अभी जो है इस यहाँ पर इस पोजिशन में हम लोग ब्लू कलर के ट्राइंगल पीस को नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर ब्लू कलर का ट्राइंगल पीस लगाने के लिए हम लोगों को इस पीस को रोटेट करके ऊपर लाना पड़ेगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर लगाना है एक ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस। तो देखते हैं कि हमारा ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस। तो अब इसको हम लोग आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर हमारे ये दो ब्लू ट्रायंगल पीस लग, अब वापस इनको इसकी पोजिशन पर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पीसेस लग चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दो रेड पीसेस लगे हुए। अब हमें यहाँ पर लगाना है ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस। तो ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस लगाने के लिए भी हम लोग देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस नहीं लगा सकते, हमें इस पीस को ऊपर लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीस को हम लोग रोटेट करके ऊपर ले आए। अब हमें यहाँ पे लगाना है एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस। तो देखते हैं ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस कहाँ पर है। ये रहा हमारा ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस। तो हम लोग इसको रोटेट करके यहाँ पर ऊपर ले आए। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस लग गए। अब वापस इनको इनकी पोजीशन पे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अपनी पोजीशन पे लग गए। और यहाँ पे हमें लगाना है ये ऑरेंज कलर के ट्रायंगल पीसेस। तो ये है हमारे ऑरेंज कलर के ट्रायंगल पीसेस। तो यहाँ पर ये हमारे दोनों लगे हुए हैं, तो इनको इनकी पोजीशन पर हम लोग लगा देंगे। तो देखिए अब हमारे जितने भी ट्रायंगल पीसेस हैं ये सब अपनी पोजीशन पर लग चुके हैं। तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो इस स्टेप में हमें इन सब कॉर्नर पीसेस को परम्यूट करना है, मतलब इन कॉर्नर पीसेस को इनकी पोजीशन पे लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो तरह के केस आते हैं। तो सबसे पहला ये केस होता है कि हमारे चार कॉर्नर पीसेस में एक कॉर्नर पीस अपनी पोजीशन पर होगा और बाकी के तीन कॉर्नर पीसेस अपनी पोजीशन पर नहीं होंगे। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब हमारे चारों में से कोई सा भी कॉर्नर पीस अपनी पोजीशन पर ना हो। लेकिन हमारे इस केस में यहाँ पर एक कॉर्नर पीस जो है अपनी पोजीशन पर है और बाकी के हमें तीन कॉर्नर पीसेस को उनकी पोजीशन पर लगाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा कॉर्नर पीस अपनी पोजीशन पर है इसको हम लोग अपने लेफ्ट साइड में रखेंगे और यहां से हम लोग एक एल्गोरिथम यूज करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारे बाकी के सभी कॉर्नर पीसेस अपनी पोजीशन पर लग जाएंगे। तो चलिए हम लोग वो एल्गोरिथम यूज करते हैं, आर एल बी एल बी आर बी एल बी एल। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि हमारे जितने भी कॉर्नर पीसेज हैं ये सब अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गए। तो हमारा ये स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया। तो हेलीकॉप्टर के ऊपर कभी कभी एक ऐसी कंडीशन भी आती है जिसमें क्या होता है कि हमारे दो कॉर्नर पीसेज जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर होते हैं लेकिन हमारे बाकी के दो कॉर्नर पीसेज जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं होते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में जो एक एल्गोरिथम बताया था, तो उससे क्या होता है कि हमारे जितने भी कॉर्नर पीसेज हैं सब अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुके थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग वो एल्गोरिथम लगाते हैं तो उससे सिर्फ दो ही कॉर्नर पीसेज अपनी करेक्ट पोजिशन पर आ पाते हैं, लेकिन हमारे बाकी के दो कॉर्नर पीसेज अपनी करेक्ट पोजिशन पर नहीं आ पाते हैं। तो देखिये अभी हमारे यहाँ पर सिर्फ ये दो कॉर्नर पीसेज अपनी करेक्ट पोजिशन पर है, लेकिन हमारे बाकी के ये दोनों कॉर्नर पीसेज अपनी करेक्ट पोजिशन पर नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पैरिटी कंडीशन। तो पैरिटी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक जंबलिंग मूव की जरूरत पड़ती है। तो जंबलिंग क्या होता है, जंबलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीसेस को कुछ इस तरह से रखते हैं, ठीक है, हम लोग इसको जंबल करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने ये किया कि ये जो हमारी राइट साइड है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से रखेंगे, और ये जो हम लोगों की लेफ्ट साइड है इसको भी हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ये जो हमारे पीसेस जो जंबल हो गए हैं इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो हम लोग इसको यहां पर क्या करेंगे, 180 डिग्री रोटेट करेंगे। तो इसको हम लोगों ने यहां पर 180 डिग्री रोटेट किया। अब ये जो हमारा पीस है इसको वापस फिर से ऐसे यहां पर पोजीशन पर ले आएंगे और इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर देंगे। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने ये जंबलिंग मूव किया। अब यहां पर ये जो हमारा ये येलो पीस जो है इनको हम लोग वापस फिर से इनकी पोजिशन पर भेज देंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जब ये जंबलिंग मूव जो है हम लोगों ने राइट साइड से हम लोगों ने परफॉर्म किया, तो इस बार हम लोग ये जंबलिंग मूव जो है हम लोग लेफ्ट साइड से परफॉर्म करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये अपनी जो लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम लोग इस तरह से जंबल करेंगे, और ये जो हम लोग की राइट साइड है अब इसको हम लोग इस तरह से जंबल करेंगे, और फिर इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया। अब वापस इसको फिर से हम लोग इसकी पोजीशन पर ले आएंगे, और ये वाला जो पीस है इसको भी वापस हम लोग फिर से इसकी पोजीशन पर ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि ये जंबलिंग मूव करने से हमारे ये जो पीस थे अब ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गए। ठीक है, अब देखिए हमारे जितने पीसेज हैं सब अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, तो हमारे बाकी के ये दोनों पीसेज भी अब अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। तो हमारा ये स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप पर। तो इस स्टेप में हमें इन सब कॉर्नर पीसेस को फ्लिप करना है, जिसके बाद क्या होगा कि हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमारा ये एक कॉर्नर पीस फ्लिप हो चुका है, हमें बाकी के इन तीनों कॉर्नर पीसेस को फ्लिप करना है। तो ये जो हमारा कॉर्नर पीस फ्लिप हो चुका है हम लोग इसको अपने लेफ्ट में रखेंगे, और यहां से हम लोग एक एल्गोरिथम यूज करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारे ये तीनों कॉर्नर पीसेस फ्लिप हो जाएंगे और हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वो एल्गोरिथम यूज करते हैं, एफ आर बी एल। तो हमें ये जो एल्गोरिथम है ये टोटल तीन बार यूज करना है, उसके बाद जाके हमारे ये जितने भी कॉर्नर पीसेज हैं ये सब सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग इस एल्गोरिथम को एक बार यूज कर चुके हैं, और हम लोग इसी पोजीशन से इस एल्गोरिथम को दो बार फिर से रिपीट करेंगे। तो चलिए ये एल्गोरिथम फिर से हम लोग यूज करते हैं, एफ एफ आर बी एल, दो बार हो गया। अब एक बार फिर से यूज करते हैं, एफ आर बी एल। तो अब देखिए यहां पर हमारे सारे कॉर्नर पीसेस जो है फ्लिप हो गए और हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।